नमस्कार फ्रेंड्स, आज नवदेव विद्यालय की सीरीज हम आपको देंगे आज और कल। उसके बाद फिर एक वीडियो, एक या दो वीडियो केंद्रीय विद्यालय की और दो वीडियो आपको उसकी जो है दो विद्यालय नवदेव की दो वीडियो और दो वीडियो राजस्थान लाइब्रेरियन की, क्योंकि हरियाणा में भी जो पोस्ट आई है वो उनमें ग्रुप सी की पोस्ट जहाँ सिली मांगा है तो राजस्थान ग्रेड थर्ड के लगभग इक्विवेलेंट या स्टैंडर्ड की आएंगी। और तो आपको और अपना अपडेट करना है तो ये नवोदय विद्यालय की सीरीज जो हम करा रहे हैं आपको, ये थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड की सीरीज है, बाइलिंगुअल है ये, तो आप लोग वो सीरीज और ये सीरीज देखते रहिए। क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत अगर मोटिवेशन में विश्वास कर सकते हैं। मैं एक अभी शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ नया चैनल शुरू किए हैं होप एक्स्ट्रा डोज। आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प या मोटिवेशन मिल सकता है, तो एक दो वीडियो वहाँ से भी देख लीजिए कभी कभी जब भी समय मिले। शॉर्ट वीडियो है, आधा मिनट एक मिनट। शुरुआत करते हैं, हु प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया था? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ने कोई हेल्प नहीं की थी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने ही वो हेल्प की थी, हमारी आंसर ठीक है। स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर आइसलिक ने नहीं किया था, अब नहीं किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग NCERT का उसमें कोई योगदान नहीं था, यूनेस्को का योगदान था। पुस्तकालयों के शैक्षिक उपयोगकर्ता कौन होते हैं? तो शैक्षिक पुस्तकालयों के उपयोगकर्ता हमारे स्टूडेंट केवल नहीं होते, छात्र शिक्षक शोधकर्ता और लोग नहीं होते, लोग नहीं होते उसमें, छात्र शिक्षक और शोधकर्ता होते तीनों। केवल टीचर्स भी नहीं होते, ना ही केवल स्टूडेंट होते, ना ही केवल शब्द नहीं है, त्रिमूर्ति छात्र शिक्षक शोधकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1933 में नहीं हुई थी, 1905 में नहीं हुई थी, ये हुई थी हमारे 1910 में। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने दो मतलब 1910 में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की थी। और उन्होंने क्या किया था कि 1910 में मेलविल डी के जो शिष्य थे W.A. बोर्डन, उन्हें अपने राज्य का लाइब्रेरी डायरेक्टर पुस्तकालय निदेशक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रंगनाथन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ये चौथा नियम है डॉक्टर रंगनाथन के हिसाब से। पुस्तक के उपयोग के लिए चौथा नियम नहीं है, पुस्तकालय संस्था खरीदे ये भी नहीं है, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, पांचवा चौथा नहीं है। डिस्कस ठीक है, पाठकों का जो समय बचाता है उसमें उन्होंने कुछ उपाय दिए, जैसे सूचीकरण वर्गीकरण पाठकों की उनकी पसंद की पुस्तक तक पहुँचाने में सहायता करता है। पुस्तकालय की स्थापना ऐसे स्थल पर करनी चाहिए जहाँ पर पाठकों को कम से कम समय लगे पहुँचने में, तो सेव द टाइम ऑफ रीडर फोर्थ नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस इम्फेसिस द वीडिंग ऑफ अनयूजफुल बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी? ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा अनुपयोगी नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है? ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है? तो यह बल देता है हमारा
सेकंड लॉ नहीं देता है, थर्ड लॉ नहीं देता, फोर्थ लॉ नहीं देता लविंग, तो क्या है हमारा फिफ्थ नियम? पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। पांचवें सूत्र की क्या क्या विशेषता है? यह पुस्तक कर्मियों की संख्या से संबंधित है, पुस्तकालय विकास से संबंधित है, सूचना गतिशील अनंत अविरल के बारे में जानकारी देता है, यह प्लानिंग मैनेजमेंट और संगठन से संबंधित है, तथा फ्रेंड्स यह अनुपयोगी पुस्तकों की छंटनी को प्राथमिकता देता है। तो ये सब विशेषताएं हैं हमारी फिफ्थ नियम की। अकॉर्डिंग टू OCLC रिसर्च रिपोर्ट, नो योर कम्युनिटी एंड इट्स नीड्स इज द रिफ्रेशिंग ऑफ विच लॉ ऑफ द रंगनाथन। OCLC के शोध के अनुसार अपने समुदाय और उनकी व्यवस्था को जानें, डॉक्टर रंगनाथन के किस नियम की पुनः स्थापन करता है? तो ये पहले नियम की नहीं करता, सेकंड नियम की करता है, सेकंड लॉ का ये करता है। रिपीट करें कि आप लोगों के लिए ग्रंथालय विज्ञान के पांचों सूत्रों को, वैसे तो आप लोगों को याद होगा ही कि बुक्स आर फॉर यूज पहला नियम है, पुस्तक के उपयोग के लिए है। दूसरा नियम है हमारा प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा नियम है एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाएं, और लाइब्रेरी इज ए ग्रोमिंग ऑर्गेनिज्म। फिफ्थ नियम है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IATLIS IATLIS किसका एक संघ है? तो स्पेशल लाइब्रेरियन का संघ नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी का भी संघ नहीं है, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का नहीं है, यह भारत में लाइब्रेरी साइंस के टीचर्स का संघ है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का संघ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? IATLIS की स्थापना भी क्वेश्चन आ जाता है, इसका ऑफिस भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स 19 दिसंबर 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स किसका एक प्रकाशन है? तो ILA का नहीं है, यह है ALA का है, LA और ISLE का इस नहीं है। ALA का पूरा नाम है हमारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कब स्थापना हुई थी? 1876 में मेलविल डीवी के प्रयास से हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ALA के और कुछ प्रकाशन है, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन है, ALA अवार्ड एंड नोटेबल सील्स है, ALA एयरबुक है, ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स, ए डायरेक्टरी इसका प्रकाशन है, ALA स्टोर है, वाशिंगटन न्यूज लेटर, ये इसके कुछ फेमस पब्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपोनेंट पिलर्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी इज रिफ्लेक्टेड इन द यूनेस्को बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटी। निम्नलिखित में से यूनेस्को ने ज्ञान के निर्माण में वर्णित ज्ञान सोसाइटी के घटक स्तंभ कौन से हैं? तो फ्रेंड्स इसमें घटक स्तर पूछा है, तो ध्यान से देखिए, इसके घटक स्तर हैं सूचना सुरक्षा, ए बी और सी इसके आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन से एक सेकेंड, निम्नलिखित में से यूनेस्को ने ज्ञान की सोसाइटियों के निर्माण में वर्णित ज्ञान की
सोसाइटी के घटक कौन कौन से हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, नॉलेज सोसाइटी हमारी घटक हो सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा, तो ए, और सभी के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा सी। ए और सी ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये ए और सी है, हमारा डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी डिड यूनेस्को कोलिब्रेट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिसिस्ट? यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी का सहयोग किया है? तो दोस्तों, यह ICSU का किया है आंसर, FID का नहीं किया, LA का नहीं किया, ना ही IFLA का किया है। और यूनिसिस्ट का आप लोगों को पूरा नाम पता होगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यूनिसिस्ट को दो संगठनों ने मिलकर के निर्मित किया था, यूनेस्को और इंफॉर्मेशन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक काउंसिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज आर फॉल्स विच सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन? बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स निम्नलिखित में से किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो ये तो सब लोग जानते हैं, तृतीयक प्रकार का स्रोत है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, टेरेटरी है, चतुर्थया क्वाटरनरी नहीं है। एकश्व क्या होता है? पेटेंट क्या है? तो पेटेंट का तात्पर्य आविष्कर्ता और आविष्कार के लिए सरकार से एक अनुबंध है। तो किसी भी प्रयोजन के लिए सरकार से किया गया अनुबंध नहीं है, पुस्तक का प्रलेख भी नहीं है। तो ये हमारा एन एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर एंड प्रोड्यूसर द गवर्नमेंट फॉर हिज इन्वेंशन और प्रोडक्ट। आविष्कारकर्ता या उत्पादनकर्ता द्वारा उनके आविष्कार या उत्पादन के लिए सरकार से अनुबंध, सी ऑप्शन ठीक है। रिसर्च मोनोग्राफ इज ए फॉर्म ऑफ, रिसर्च मोनोग्राफ किसका स्वरूप है? तो यह प्राथमिक स्रोतों का स्वरूप है, सेकेंडरी का नहीं है, टेरिटरी का भी नहीं है, और ना ही है नॉन डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पब्लिक लॉ 480 क्या है? व्हाट इज पब्लिक लॉ 480? तो यह है (1954) में अमेरिका में पारित एक नियम है। तो यह अमेरिकन अधिनियम है, इंडियन अधिनियम नहीं है, ब्रिटिश नहीं है, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी नहीं है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दियर रेस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरी। निम्नलिखित राज्यों को उनके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों के अधिनियम वर्ष के आरोही क्रम में लिखिए। तो कौन कौन सा नियम आरोही क्रम में दोस्तों हो सकता है? केरल, तो आंसर देखते हैं यहाँ क्या दिया गया, यहाँ भी थोड़ा सा हम सोच सकते हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गोवा और उत्तराखंड या उत्तरांचल। इनमें से देखिए, अगर हमको नहीं भी पता है तो हम कर सकते हैं अंदाजे से, सबसे पुराना कौन सा हो सकता है? तो केरला सबसे पुराना हो सकता है हमारा, गोवा भी उसके बाद है, उत्तराखंड सबसे लेटेस्ट। उत्तराखंड, गोवा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तो उत्तराखंड लेटेस्ट हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसके भी बाद आता। अगर वो भी नहीं आंसर बन रहा तो हम केरला करते हैं, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट किस में है। तो दोस्तों, बन जाता है हमारा काम एक ही ऑप्शन में, केरला पहले नंबर पर है और सबसे लास्ट में छत्तीसगढ़, तो बी जो सेकंड ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में, तो ए में ही वो है, आंसर आपका ए है। केरला में कब हुआ था? (1989) में केरला, छत्तीसगढ़
है हमारा 2008। गोवा है 1993 और उत्तराखंड भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 2005 में, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश 2006 है, तो उत्तराखंड 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एक्ट से क्या तात्पर्य है? तो लाइब्रेरी एक्ट से तात्पर्य इट मीन्स द प्रिपेयर लॉ नहीं है, इट मीन्स द प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ द लॉ ऑफ लेजिस्लेशन। ये आंसर सही है, सी और डी भी गलत है, बी ऑप्शन ठीक है। इंडिकेट द इवेल्युएशन ऑफ द क्राइटेरिया दैट इज द स्पेसिफिक डिस्टिंगन बिटवीन जो है इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेस। इंटरनेट सूचना स्रोतों हेतु प्रयुक्त इनमें से कौन सा विशिष्ट एवं स्पष्ट मूल्यांकन का मापदंड है? तो वह स्कोप नहीं है हमारा, वह कॉपीराइट। सी भी गलत है, डी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ए प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है? तो डिजिटल वाटरमार्क गलत करता है, डेटा का एनक्रिप्शन ये भी करता है, नहीं करता तो प्लग इन्स, ऑप्शन सी ठीक है। द हेड ऑफिस ऑफ द आइसलिक लोकेटेड एट, आइसलिक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आइसलिक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है, दिल्ली में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, चेन्नई में नहीं है। और आइसलिक की स्थापना आप जानती हैं 3 सितंबर 1955 को की गई थी एस एल होरा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। पुस्तकालय संघों को उनकी स्थापना वर्ष के हिसाब से आरोही क्रम में लिखिए। तो अगर देखा जाए आंसर की तरफ छोटा करके कौन सा आंसर हमारा हो सकता है, तो फ्रेंड्स इनमें सबसे जो पुराना हो सकता है कौन सा संघ हो सकता है? तो चौथा आंसर एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876 पुराना संघ है। तो बी और डी ऑप्शन हमारे आंसर से हट जाते हैं, ए और सी में चौथा पहले नंबर पर है। 1876 एएलए है, ठीक है फ्रेंड्स। एसएलए 1906-1876, तो आंसर सेकंड ए भी कट जाता है, सेकंड स्थान पे एसएलए। एक फ्रेंड्स, तो बी तो हमारा कट गया था, डी बी तो बचे थे हमारा पहला मतलब ए और सी। तो 1909 में हमारा एसएलए है, तो एसएलए दूसरे नंबर पे होना चाहिए, दूसरा जो ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन है हमारा ए, सी ऑप्शन भी कट गया, ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है हमारा इफला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, जिसका पूरा नाम है 30 सितंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी, 1927 को। तो ये तीसरे नंबर पे आएगा पहला जो चैप्टर है। स्लिप है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ये 2002 को स्थापित हुआ था। तो सबसे लास्ट में तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लोकेशन इन द लाइब्रेरी शुड बी, जो लाइब्रेरी साइंस का पहला नियम है उसके हिसाब से ग्रंथालय का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो केंद्र में होना चाहिए, सेंट्रल, ए ऑप्शन ठीक है, बी सी और डी इसका ऑप्शन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज पब्लिश्ड साइंस, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है कब से, सिंस 1951 नहीं है, 1936 नहीं है, 1964 नहीं, 1947 इसका सही आंसर है। 1947 से शुरू हुआ और विश्व भर के समस्त शैक्षणिक संस्थानों की जानकारी डेटा इसमें सबसे आधिकारिक रूप से मतलब दिया गया था। यूजीसी से शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए अनुदान को क्या कहा जाता है, किस प्रकार का हमें अनुदान मिलता है, तो नियमित नहीं मिलता, ये तदर्थ अनुदान होता है। अनुदान ये योजना अनुदान नहीं है और अनियमित अनुदान नहीं है, बी ऑप्शन ठीक है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता में कब स्थापित हुआ था, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, सबको पता है 1972 में हुआ, तो ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है, ये भी ये भी ये भी, लेकिन सारे 72 हैं तो क्या आता है, फिर शॉर्ट में आएंगे कौन से महीने में हुआ था, तो दोस्तों मई में हुआ था, 22 मई को, ये ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे गलत। ऐसा अगर मई की कोई और डेट दे देते हैं और कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ा करिए फिर किया करिए। किसके द्वारा पुस्तकालय सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी, तो ALA के द्वारा नहीं, आईएस लीग ने, ये था राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की नीति, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत में किसकी मदद से निषाद का कार्यक्रम शुरू किया था, तो जी भट्टाचार्य, ये नील मेगन नहीं है, पुल में भी नहीं है, ये थे पीटर लेजर, और कब शुरू किया था फ्रेंड्स, ये 1971 में। शुरू हुआ था 13 मई 1977 को, ठीक है, निषाद पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो 1977 इसका कहीं आता है तो कह सकते हैं स्थापना वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी WDL इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लीड बाय, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो किसके अगुवाई में है, तो यह है इफला का नहीं है, स्लिप का नहीं है, नहीं स्लिप प्लस इफला का, यह है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विद द सपोर्ट ऑफ द यूनेस्को, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, ए सर्विस विच डायरेक्ट्स ए यूजर टू एन अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन और डाटा रिक्वायर्ड टू नोन एज द सर्विस, उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी या डाटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को क्या कहा जाता है, तो इसको संदर्भ सेवा कहते हैं, SDI नहीं है, प्रत्याशित सेवा नहीं, रेफरल सेवा भी नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ द रेस्पेक्टिव इनेक्टमेंट्स, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके संबंधित अधिनियम वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो यह डिजिटल सहस्राब्दी प्रतिलिपि अधिकार, डिजिटल मिलेनियम एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ये एक सेकंड फ्रेंड्स, ऑप्शन वाला है ना ये,
निम्नलिखित अधिनियमों को उनके संबंधित अधिनियम वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्था है, पूछ रहा है कौन सा नियम कब बना है। तो डिजिटल शहतराब्दी प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत, सूचना प्रौद्योगिकी अधिकार अधिनियम भारत और भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम भारत। अब इनमें से सबसे ये पुराना या सबसे नया एक देखिए, उसके आधार पर हम निकालते हैं। तो कब सबसे पुराना कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स? सूचना प्रौद्योगिकी की भी बाद में भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम और डिजिटल, डिजिटल सूचना, सूचना प्रौद्योगिकी ये कब के हैं? सबसे लास्ट में हुआ शब्द प्रयोग हुए हैं। भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 1954 का है। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें डी सबसे पहले है, तो सी और डी ऑप्शन हमारे हट जाते हैं, ए और बी में डी सबसे पहले है। ठीक, अब इनमें तीन ऑप्शन बचे, इनमें तीन में और क्या हो सकता है? पुराने वाला इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1954, सोचो भैया लोगों सोचो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इनमें इसके बाद डिजिटल मिलेनियम एक्ट 1998 दूसरे नंबर पे होगा, तो दूसरे नंबर पे ए आएगा, तो ये ऑप्शन भी गया, राइट ऑप्शन हमारा ए बन सकता है ना। अब तो सी तीसरे नंबर पे ही है और बी चौथे पे चला जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत 2000 और सूचना अधिकार अधिनियम 2000 का है और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ये था हमारा 12 अक्टूबर 2005, तो ये 2005 को है, तो ये ऑप्शन ठीक है। व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द सीमेंस फ्लो चार्ट दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए मैनेजमेंट सिस्टम? साइमन के फ्लो चार्ट के एक संघटक तत्व हैं जो प्रबंधन प्रणाली के घटक हैं, तो प्लानिंग, कर्मचारी अभिप्रेरण, नव प्रवर्तन। तो इसमें प्लानिंग तो इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग है, प्लानिंग स्टाफिंग भी है और क्या हो सकता है इसके अलावा? नव प्रवर्तन, तो डी वो ऑप्शन ठीक है जिसमें ए डी बी है, तो ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ठीक है। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स, मानव संसाधन की योजना की गतिविधियां निम्न में से शामिल होती हैं, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? हमारा भर्ती होती है, प्लेसमेंट होता है, परफॉर्मेंस या मूल्यांकन भी होता है। तो इसका कौन कौन से ऑप्शन ठीक है? तो पहला है सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट है, प्रवेश एवं स्थान है, परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन मूल्यांकन। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठता है? सी।
कभी कभी दो पेज पर आता है, क्वेश्चन लंबा हो जाता है बहुत छोटा करके, तब उसको दिखाया जाता है। द मेथड ऑफ बजटिंग विच इज नॉट द कंसर्न विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्यूचर इज नोन एज। तो प्रोग्राम बजट, फार्मूला बजट तो नहीं है ये, क्या हमारा शून्य आधारित बजट है। बजटिंग पद्धति जिसका संबंध जो कुछ घटा है से नहीं है किंतु भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक जुड़ी हुई, किस रूप में जानी जाती है? शून्य आधारित बजट किसकी है ये? पीटर, पीपी कर दें से शॉर्ट में, पीपी पीटर फेयर की है, 1970। इस दोबारा मतलब 1970 में, 1970 में डेवलप हुई थी ये। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पीपीबीएस तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए पीपीबीएस का मतलब क्या है। तो पीपीबीएस का मतलब है पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर प्रोग्रामिंग, बी फॉर बजटिंग और एस फॉर सिस्टम। किसने किया था फ्रेंड्स ये? विश्व बैंक ने किया था? नहीं, भारतीय क्या है वो, स्टेट बैंक नहीं, रैंड कॉरपोरेशन ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ट्रिपल आर एल भी गलत है। कब किया था यह? 1961 में। किसने किया था? रॉबर्ट मैकना मार्श ने किया था, यूएस डोड के लिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स इज ए क्रिटिकल इन सीपीएम? सीपीएम में निम्नलिखित में से कौन सा पथ अति महत्वपूर्ण होता है? तो शॉर्ट रूट तो होता नहीं है, तो महत्वपूर्ण अगर है तो सबसे लंबा पथ, ये भी ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, क्रियाकलापों के क्रियान्वयन पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर का प्रबंधन जिम्मेदार होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन में पूछा जा चुका है। तो टॉप लेवल इसमें नहीं होता है, मिडल लेवल होता है, ऑपरेशन लेवल और लोअर लेवल नहीं, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, द ऑर्डिनल नंबर ऑफ विच फिक्स द पोजीशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन ए लाइब्रेरी रिलेटिव टू द अदर डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू द सेम क्लास इज नोन एज। पुस्तकालय में प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षी की स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? क्लास नंबर नहीं कहते, काल नंबर कहते हैं, बुक नंबर नहीं कहते, कलेक्शन नंबर भी नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द एसिड फ्री एडवाइज टू द बेस्ट बुक बाइंडिंग, जिल्द साजी के लिए किस प्रकार का अम्ल रहित आसंजक बेहतर होता है? तो पीवीसी तो नहीं होता, रबड़ भी नहीं होता, एनिमल भी नहीं होता है, पीवीएस के लिए होता है, पॉली विनाइल एक्सीटेट। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री प्लांट्स ऑफ द वर्क विच आर द रिकॉग्नाइज्ड बाय डॉक्टर रंगनाथन फॉर ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण किए गतिशील सिद्धांत कार्य के किन तीन स्तरों पर किया जाता है? बहुत फेमस हो रखा है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, शाब्दिक मौखिक अंकन नहीं है, वैचारिक शाब्दिक और अंकन है, आइडिया वर्बल और नोटेशनल प्लान है, सी और डी आंसर भी नहीं है, बी ऑप्शन ठीक है। ट्वेंटी फर्स्ट एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वॉल्यूम्स? डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है? तो 21वां संस्करण
चार खंडों में, दो खंडों में नहीं है, तीन में नहीं है, पांच में नहीं है। पांच में तो कोई संस्करण आया ही नहीं है अभी तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15वें एडिशन तक क्या था, एक वॉल्यूम था, 16 जो वो एडिशन था दो वॉल्यूम में आया था, 16 दो वॉल्यूम में था, और तीसरा जो था तीन खंडों में वो हमारा 16 17 18 19, 17 से 19 और चार खंडों में है हमारा 21वां एडिशन। विच लो सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीट मेंट लैंग्वेज डिक्शनरीज, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शब्द कोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है? भाग नहीं है तो ग्लास भाग नहीं है, स्थानिक भाषा है, उत्पत्ति है और व्याकरणिक सूचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसएसएन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, बी ऑप्शन ठीक है। आईएसएसएन का पूरा नाम यह है। आईएसएसएन को आईएसओ ने विकसित किया था, इसके तहत आईएसओ ने कब किया था, 1975 में। द टर्म बिब्लियोग्राफी वाज ड्राइव्ड फ्रॉम, बिब्लियोग्राफी पद किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से नहीं लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राजस्थान वाले जो सीरीज चल रही है उसको भी एक बार थोड़ा देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है ताकि आपके इजी और टफ दोनों तरह के क्वेश्चन हो सके। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार, शुभ रात्रि। सुबह वीडियो अपलोड होगी उस समय आपको गुड मॉर्निंग।